नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार होली 14 में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। तो फाइनली यहां पे आप महिंद्रा थार रॉक्स को देख सकते हैं। MX5 वेरिएंट है, डीजल वाला वेरिएंट ये रहने वाला है, ठीक है। तो फाइनली मेरे सिटी धनबाद के अंदर जो है थार वो लॉन्च हो चुकी है। काफ़ी समय लग गया और वीडियो पोस्ट करने भी जो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, गाड़ी फाइनली मिल चुकी है और आप लोग भी जो है शोरूम पर आके चेक कर सकते हैं। वेरिएंट जो है वो 2.2 लीटर डीजल का रहने वाला, उसके अलावा 2 लीटर पेट्रोल जो है वो भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, और कलर ऑप्शन की अगर बात कर लेंगे तो ये टैंगो रेड कलर के अंदर है। उसके अलावा एवरेस्ट वाइट भी जो है मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है वो सब भी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये MX5 वेरिएंट जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर फीचर्स जो है ना वो आपको भर भर के फीचर्स महिंद्रा ने इस बार ऑफर कर दिए हैं। और यार इस गाड़ी को तो देख कैसा लग रहा है ना कि जो भी मिड साइज SUV हैं उनको तो ये लगता है खा के चबा जाएगी। बेसिकली जो क्रेटा और किया जैसी गाड़ियाँ हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, इसका जो पेट्रोल जो है ना वो पेट्रोल वाला वेरिएंट वो अराउंड 18.5-19 लाख का जो है ऑन रोड आ रहा है, ठीक है। इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है तो वो जो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ चाबी से। चाबी देख लीजिए, चाबी कुछ इस तरीके की मिल जाती है महिंद्रा को लोगो, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 बटन्स दिए गए हैं लॉक अनलॉक के लिए, एक जो है बूट रिलीज करने के लिए। जैसे हम लोग इसको अनलॉक करते हैं तो अपना हेडलैम्प जो है वो बेसिकली इसका DRL वाला पार्ट जो है वो ऑन हो जाता है, और DRL कितना ब्राइट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और हेडलाइट की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर LED का सेटअप मिल जाता है हाई बीम लो बीम के अंदर। यहाँ पे अपना DRL वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा अपना फॉग लैम्प कुछ इस तरीके का रहने वाला, ग्रिल का डिज़ाइन वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। महिंद्रा की बेसिकली इम्बोजिंग जो वो मिल जाती है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे लोगो जो है वो नहीं दिया गया। आप अगर ग्रिल को डिटेल में देखना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ से ग्रिल को चेक कर सकते हैं। डुअल टोन के अंदर बम्पर जो है वो मिल जाता है सिल्वर और ब्लैक फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पे अपना फॉग लैंप ये भी LED के अंदर है। पार्किंग सेंसर जो वो फ्रंट के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का व्यू रहने वाला है। अब अगर बोनेट को चेक करेंगे तो बिल्कुल जैसा 3-डोर में मिलता था आपको उस तरीके से मिल जाएगा। अपना वाइपर का सेटअप वो भी चेक कर सकते हो। विंडस्क्रीन चेक कर सकते हैं, जो टॉप मॉडल है वहाँ पर आपको ADAS का फीचर वो भी मिल जाता है। और यहाँ पे फेंडर पे थार रॉक्स की जो बैजिंग है वो चेक कर सकते हैं, क्रोम के अंदर है। उसके अलावा व्हील आर्च वाला जो पार्ट है वहाँ पे इंडिकेटर वो मिल जाएगा। अब ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है MX5, इसके अंदर आपको 18 इंचेस का डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील दिया गया है। टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंचेस का अलॉय व्हील जो कंपनी ऑफर करती है, और JK के रेंजर टायर्स मिल जाते हैं। दीज आर हाईवे टेरेन टायर्स। प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो 255/65 आर 18 इंचेस का सेंटर के अंदर महिंद्रा का लोगो, और डिस्क ब्रेक का साइज जो है ना वो काफ़ी बड़ा है अगर आप कंपेयर करते हैं 3-डोर वाली थार से। तो मतलब डिस्क ब्रेक का साइज़ बड़ा है, इसका मतलब क्या ब्रेक जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना ओवरव्यू वो चेक कर सकते हैं, थार की इम्बोजिंग वो मिल जाती है। रूफ जो है अपना ब्लैक्ड आउट है, ठीक है। इसके अंदर आपको छोटा सनरूफ मिल जाता है। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे अपना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा डोर हैंडल जो कि ब्लैक कलर के अंदर है, अपना लॉक लेवर हिंजेस वगैरह जो है वो अवेलेबल रहने वाले हैं यहाँ से। अपना सेकेंड रो का डोर वो भी चेक कर सकते हैं, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे अपना लिवर जो है वो मिल जाएगा। पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप वो दिया गया है। अब बैक प्रोफाइल को अगर चेक करेंगे तो अपना बैक प्रोफाइल बिल्कुल यहाँ से आपको विजिबल हो जाएगा। पीछे की तरफ अपना रियर LED कॉम्बिनेशन लैम्प वो मिल जाता है, और स्पेयर व्हील जो है वो बूट पे माउंटेड है। कैमरा वो आपको यहाँ पे दिया गया, बेसिकली ये कवर्ड रहने वाला है, स्टील रिम मिल जाता है स्पेयर व्हील के अंदर। थार रॉक्स की इम्पोजिंग यहाँ पे भी है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे अपना जो पार्किंग सेंसर्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर वो मिल जाता है। अगर टेल लैम्प को चेक करें तो अपना कॉम्बिनेशन लैम्प कुछ इस तरीके का है, उसे चेक कर सकते हैं। इंडिकेटर जो वो LED के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पे अपना जो बैक लैम्प है रिवर्स लैम्प उसे भी चेक कर सकते हो। इसको ओपन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो है हैंडल वो दिया गया है, इसको आप यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। और यहाँ अपना फ्यूल फिलर कैप जो कि 57 लीटर का है, डीजल वाला वेरिएंट है, तो 57 लीटर डीजल जो है इसके अंदर जाएगा। और इधर से जो है ना आप इसके क्वार्टर पैनल ग्लास को चेक कर लीजिए। क्वार्टर पैनल ग्लास पे आपको ईस्टर एक्स मिल जाता है, जैसे कि थार 5-डोर वो आपको दिख रही होगी। उसके अलावा यहाँ पे कैमल डेजर्ट, बेसिकली ये थार डेजर्ट है। और यहाँ पे देखें तो इसके आप डिफॉगर को चेक कर सकते हैं, वाइपर अपना यहाँ पे है, हाई माउंट स्टॉप लैंप वो भी चेक कर सकते हैं, उसे भी आप देख लो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो अपना सेकंड रो का ग्लास वो भी आप देख लीजिए। और बेसिकली इसकी डोर जो है ना वो सेकंड रो में 90 डिग्री तक ओपन हो जाती है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो है 90 डिग्री
बिल्कुल ओपन हो चुका है, और जो अपना फ्रंट डोर है वो ऑलमोस्ट 70 डिग्री ओपन हो जाता है। कुछ इस तरीके का इंटीरियर रहने वाला, फुटस्टेप्स वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके का फुटस्टेप है बकायदा। यहाँ पे आपको जो है ना ग्रिपिंग वगैरह वो भी मिल जाती है, तो पैर वगैरह भी जो आपको स्लिप नहीं करने वाला। और इस साइड आपको क्या मिलता है, तो फेंटर पे एंटीना जो है वो मिल जाएगा इस साइड के अंदर। इधर भी जो है अपना इंडिकेटर वो चेक कर सकते हैं फेंटर पे। और चलिए हम लोग फाइनली चलते हैं इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर को चल के मैं आपको जो सारे फीचर्स हैं वो एक्सप्लोर करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि इंटीरियर के अंदर जो है क्या क्या मेज़र अपडेट हुए। तो डोर को जैसे ही आप ओपन करते हो ना, यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है वो मिल जाते हैं, अपना ORVM एडजस्ट करने के लिए जो नॉब है वो मिल जाएगा, बॉटल होल्डर का स्पेस वो मिल जाता है यहाँ पे, जो बिल्कुल थार थ्री डोर में मिलता था ना बिल्कुल इस तरीके से। डोर पे जो इम्पोजिंग है थार की वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लॉक लिवर जो है पहले थ्री डोर वाले में नॉर्मल आता था ब्लैक, बट यहाँ पे इस बार आपको क्रोम के अंदर मिल रहा है। सीट्स वगैरह जो है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं ना तो वहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन वो मिल जाता है। इसके अंदर आपको MLD भी मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन वो दिया गया है, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन, ESP का बटन, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, MID का, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, उसके अलावा हिल डिसेंट का बटन जो आपको यहाँ पे मिल जाता है, हेडलैम्प लेवलर उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो दो पेडल्स जो वो मिल जाते हैं, उसके ठीक बगल में अपना डेड पेडल जो वो भी मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग स्टेप इन करते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जैसे आप स्टेप इन करेंगे तो आपको वाइट इंटीरियर जो है वो दिख जाएगी। अब स्टीयरिंग व्हील अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल जैसे महिंद्रा XUV 700 में, स्कॉर्पियो N में, उस तरीके की कंफर्टेबल स्टीयरिंग व्हील जो है वो मिल जाती है इसके अंदर, और लेदर रैप्ड रहने वाला है सारा कुछ। महिंद्रा को लोगों वो चेक कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल भी आ जाता है इस पर्टिकुलर वेरियंट के अंदर, मतलब यार MX5 जो वेरियंट है ना इसके अंदर आपको सारे ही फीचर्स दे दिए गए हैं। जो लोग टॉप मॉडल को नहीं लेना चाहते ना उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है मिड वेरिएंट के अंदर जो है ना, इतने सारे फीचर्स जो है वो आपको मिल जा रहे हैं यार, काफ़ी काबिले तारीफ जो महिंद्रा ने इस बार काम किया था। रॉक्स के अंदर अपने स्पीडोमीटर वो चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अपना एनालॉग फॉर्म के अंदर इसका मीटर है वो मिल जाता है 0 से लेके 7 तक के अंदर, उसके अलावा 0 से लेके 180 तक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो चेक कर सकते हैं। सेंटर के अंदर MID, फ्यूल लेवल इंडिकेशन, इंजन हीट टेम्परेचर वो सारा कुछ दिख जाएगा। अब इस साइड देखें तो अपना जो वाइपर का कंट्रोल है वो चेक कर सकते हैं, इस साइड अपना हेडलैम्प का कंट्रोल वो दिख जाता है। अब यहाँ पे देखें तो क्या दिखता है, यहाँ पे अपना जो AC वेंट है वो ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ सराउंडेड है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। ग्रैब रेल बिल्कुल, जो यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें थी ना जो मिजिंग थी लोग बाद में लगवाते थे वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं अपने ग्रैब रेल को। इस साइड अगर आप देखते हैं तो 10.25 इंचेस का डिस्प्ले जो है मिल जाता है इसके अंदर, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ वगैरह को सपोर्ट करता है, और काफ़ी क्रिस्प सा डिस्प्ले जो है इसके अंदर आपको दिया है। वेरियस मोड्स वगैरह जो है ना इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप जाएंगे तो ऑफ रोडिंग से रिलेटेड, हालांकि 4x2 वाला वेरिएंट है बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे कि ऑफ रोड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो अपना कितने डिग्री बेंड है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके अलावा ऑन रोड अगर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो पावर टॉर्क रेशियो है वो आपको दिख जाता है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे रेसिंग मोड है, ठीक है, तो आप जब आप ड्रैग रेस वगैरह करते हैं ना तो यहाँ पे टाइम लैप्स वगैरह वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ के अंदर बेसिकली आप अपने हिसाब से वेरियस जो है ना वो आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे होम बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं। हालांकि ये डिस्प्ले जो है ना ये 10.25 इंचेस का है, काफ़ी बेहतरीन है, बट इससे भी ज़्यादा क्रिस्प जो है इसका टॉप मॉडल का जो डिस्प्ले है ना वो रहने वाला। नीचे अगर आ जाते हो तो यहाँ पे कुछ बटन्स है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसके ठीक नीचे जो अपना AC वेंट, 2 AC वेंट वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और भी बटन्स दिए गए हैं AC से रिलेटेड, उसके अलावा हैजार्ड लैंप का स्विच जो है वो मिल जाता है, ड्राइव मोड्स मिल जाता है इसके अंदर। तो आई थिंक हाँ देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन सा मोड मिलता है, तो ड्राइव मोड वाले अगर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जूम दिख रहा होगा, जिप दिख रहा होगा, उसके अलावा स्नो, मड, सैंड, इतने सारे मोड्स जो है वो दिए गए हैं। ऑटोमेटिक वेरियंट है तो अपना गियर लीवर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको वायरलेस चार्जर वो भी मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, और
कप होल्डर बॉटल होल्डर का स्पेस यहाँ पे आर्मरेस्ट जो है वो काफ़ी बड़ा और ब्रॉड सा है, और ड्राइवर साइड जो है ना ये स्लाइडिंग फीचर के साथ में आता है। उसके अलावा जो अपना ग्लव बॉक्स है वो बिल्कुल जैसे थ्री डोर में मिलता था उस तरीके से मिल रहा है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट के अंदर जो है बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे अपना ग्रैब हैंडल वो भी मिल जाता है, एसी वेंट वो चेक कर सकते हैं। आईआरवीएम पे आ जाइए और मिड वेरिएंट के अंदर यार यहाँ पे आपको फ्रेमलेस स्टाइल का ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिल जाता है, सनग्लास होल्डर जो है वो भी दिया गया है, रीडिंग लैंप्स जो है वो एलईडी के अंदर रहने वाले हैं बेसिकली, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना आपको सनरूफ जो है वो भी मिल जाता है। जो इसका हायर वेरिएंट है वहाँ पे आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ वो मिल जाएगी। ग्रैब रेल जो है वो सेकंड रो में जो बैठेंगे उनके लिए भी जो है ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इस साइड पे भी अपने थार की इम्पोजिंग वाइट कलर के अंदर जो है इसका पूरा लेदर सीट जो है लेदराइट है इसमें यूज़ किया गया, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है। और यहाँ पे भी आपको स्पीकर वगैरह की प्लेसिंग जो है वो मिल जाती है, वहाँ पे भी स्पीकर की प्लेसिंग है। इस साइड भी आप अपना स्पीकर की प्लेसिंग जो वो चेक कर सकते हैं। टॉप मॉडल के अंदर आपको हरमन कार्टन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रो में और सेकंड रो को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड रो को ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है इसका लॉक लेवर दिया गया, इसको आपको इस तरह से पुल करना और इसको पुल करके जो आप ओपन कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर डोर जो है वो 90 डिग्री ओपन हो जाता है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डुअल टोन के अंदर इसका जो डोर का पूरा एरिया है वो आपको दिख जाएगा, अपना पावर विंडो का कंट्रोल वो चेक कर सकते हैं। लॉक लीवर यहाँ पे भी थार की इम्पोजिंग है, बॉटल का स्पेस आराम से 1 लीटर तक का जो बॉटल है वो इसके अंदर फिट आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड रो के सीट्स को चेक कर सकते हैं, जो कि रिक्लाइन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, 60-40 रेशियो के अंदर आप स्प्लिट भी कर पाओगे इसको। आइसोफिक्स माउंट वो मिल जाता है, सीट बेल्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, सेंटर आर्मरेस्ट वो भी दिया गया है 2 कप होल्डर बॉटल होल्डर के साथ में, 2 हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट सेंटर वाला जो फिक्स रहने वाला है। अब इस साइड अगर देखें तो 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट, फ़ोन रखने के लिए थोड़ा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, और अपना लोअर हम्प जो है वो एकदम ज़ीरो है। अंदर अगर स्टेपिंग करें तो स्टेपिंग करते के साथ काफ़ी आपको रूमी और बड़ी सी जो केबिन है वो दिख जाती है। यहाँ पे भी अपना ग्रैब रेल वो चेक कर सकते हैं। लाइट्स वगैरह जो है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि वाइट लाइट का सेटअप, पीछे भी स्पीकर की प्लेसिंग है। बेसिकली जितने भी स्पीकर्स हैं ना वो आपको रूफ पर मिलते हैं, डोर्स वगैरह पर नहीं दिया गया, क्योंकि महिंद्रा को पता है कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। और जो अपना बूट स्पेस वगैरह है वो आप पीछे यहाँ से चेक कर सकते हैं, अराउंड 447 लीटर का बूट स्पेस जो है इसके अंदर मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली हमने उसके बूट को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अपना बूट वाला एरिया जो है वो 2 पार्ट में ओपन होता है, जैसे पहले इसका नीचे वाला एरिया बिल्कुल 3 डोर की तरह से ही है, और ये टॉप ग्लास लिड जो है ये आपको बाद में ओपन करना पड़ेगा। 447 लीटर का बूट स्पेस दिया गया, सीट जो वो 40-60 रेशियो में स्प्लिट कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अपना लगेज हुक वगैरह वो भी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पीछे जो है ना आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वो मिल जाता है, यहाँ पे भी हुक जो वो मिल जाएगा। अब इस साइड अगर देखेंगे तो एक कैप दिया गया, बेसिकली फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए है ठीक है। और काफ़ी बड़ा सा स्पेस जो है ना वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, 450 लीटर राउंड फिगर में आप पकड़ के चलो, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले इसको बंद करना होगा, और यहाँ पे जो अपना वाइपर है, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप वो इसी के अंदर दे दिया गया, तो उसको भी देख लीजिए। उसके अलावा इसको हम लोग बंद कर देते हैं। स्पेयर व्हील जो वो स्टील रिम के साथ में, कैमरा की माउंटिंग यहाँ पे है ठीक है। जो अपना टॉप वेरिएंट आएगा उसके अंदर 19 इंचेस वाला अलॉय व्हील जो है स्पेयर व्हील के अंदर भी मिल जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में और चेक कर लेते हैं कि उधर जो है आपको क्या क्या मिलता है। तो फाइनली इसका इंजन कंपार्टमेंट, जो कि सबसे मेन चीज़ है, 2.2 लीटर का डीजल इंजन एम हॉक वो मिल जाता है इसके अंदर, जो कि 150 BHP की पावर जनरेट करता है, 330 Nm का टॉर्क, और अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो वहाँ पे आपको 160 Nm का पावर जो है, सॉरी 160 BHP का पावर जो है वो मिल जाएगा ठीक है। और ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सा ही है, बट पेट्रोल इंजन के अंदर थोड़ा सा जो है ना आपको 10 BHP का ज़्यादा एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है वहाँ पे। बोनेट वगैरह चेक कर सकते हैं ठीक है। अपना डीजल इंजन वो देख लीजिए, एमरॉन की बैटरी जो वो मिल जाती है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के अंदर जो है ये गाड़ी आ रही है, 4x2 4x4 के अंदर। और एक चीज़ मुझे क्या अच्छा लगा ना कि यहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया, ताकि बोनेट को जब आप इस तरीके से लिफ्ट करते हैं तो आपकी प्रॉपर जो है ग्रिप मिल जाता है यहाँ पे, अपने फिंगर्स को इंसर्ट करने के लिए, बोनेट को लिफ्ट करने के लिए ठीक है। और यहाँ पे रॉड वगैरह जो है वो प्रॉपर इस तरीके से माउंट हो जाता है।
तो बेसिकली सेफ्टी फीचर्स वगैरह क्या क्या रहता है? सेफ्टी के अंदर जो है आपको बेसिक वेरिएंट से ही 6 एयरबैग, ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स कंपनी ऑफर कर देती है। उसके अलावा आपको इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स जो है कंपनी ऑफर कर रही है। हालांकि ये जो MX-5 वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग पे, इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो 18.5 लाख रुपये जो है ये एक्सोरूम कॉस्ट करने वाला है। उसके अलावा ये जो है अराउंड 21,70,000 या 80,000 तक जो है मेरेसिटी धनबाद के अंदर कॉस्ट करने वाली है ऑन रोड। एग्जैक्ट फिगर क्या है वो जो है मैं अभी अप्रॉक्स के अंदर ही डाल रहा हूँ। एग्जैक्ट जैसे ही आ जाता है ना तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर वीडियो अपलोड करते करते अगर ये एग्जैक्ट फिगर्स आ जाते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर ही मेंशन करने का कोशिश करूँ। बाकी जो ओवरऑल रिव्यू था वो कंप्लीट हो चुका। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस थार से रिलेटेड, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, गाड़ी को देखना चाहते हैं, तो आपको आना कहाँ है? अगर आप वीडियो को धनबाद से देख रहे हैं, वीडियो को अगर आप धनबाद से देख रहे हैं तो आपके डिस्प्ले पे मैंने नंबर दे दिया है जो कि यहाँ के सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर आदित्य कुमार सिंह, उनका नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको। और ये जो है यहाँ के डिजिटल इंगेजमेंट मैनेजर भी हैं, तो आप आना, इनसे जो भी होगा अपना बात वगैरह कर लेना। बाकी टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना तो आप उनको ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बुकिंग वगैरह के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए। गाड़ी जो है वो अवेलेबल है मॉडल फ्यूल धनबाद के अंदर है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। और यार आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।